अनियन, गार्लिक, कैबेज, जिंजर, मैदा, वाटर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनियन और गार्लिक को चॉप करना है। कैबेज और जिंजर को अच्छे से ग्रेट कर लें। फ्राई ऑल द वेजीज और जो भी मसाला आप नॉर्मली यूज करते हैं वही यूज करें। कुछ इस तरह हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी और हम इसको साइड में रख लेंगे। यूज मैदा, वाटर एंड ऑयल फॉर डो। डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। डो की छोटी लोई बना के पूरी की तरह बना लें। अब इस तरह से सभी जगह पर पानी लगा लें। स्टफिंग को सेंटर में रख लें और इस तरह से फोल्ड करें। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई स्टोव पर रखकर थोड़ा पानी डाल लें और 2 मिनट तक बॉईल करें। चलनी को कढ़ाई के ऊपर रख दें और ऑयल से इस तरीके से ग्रीसिंग कर दें ताकि मोमोज स्टिक ना हो। सारे मोमोज एक एक करके रखें थोड़ा दूर दूर ताकि मोमोज एक दूसरे से चिपक ना जाएं। एक प्लेट से ढककर 10 मिनट तक स्टीम करें। और चटनी कुछ टमाटर और गार्लिक को काट के मिक्सचर में डाल लें और उसे अच्छे से ग्राइंड करके मिक्स करें। मोमोज और चटनी दोनों तैयार हैं। जाने से पहले लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।